फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपका कोच और मेंटर। आज आपको सप्लीमेशन प्रिंटिंग के बारे में, उसमें बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कितना मशीनरी से उसमें बहुत सारा अनेक मशीन्स होते हैं, इसमें साइजेस के हिसाब से मशीन्स होते हैं। एक एक प्रोडक्ट को प्रिंट करने में एक एक मशीन के स्पेशलिटीज़ भी होते हैं। इस वीडियो में हम इतना मशीनरी के बारे में बात तो नहीं कर सकते हैं, तो एक मशीन का जो बेसिक मशीनरी होते हैं उसको आपको दिखा देंगे, उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसको क्या बजट होता है, कहाँ पर प्लेस कर सकते हो। आपको प्रिंटिंग करके भी दिखाएंगे। इस प्रिंटिंग प्रोसेस को आपको दिखाने के लिए हमारा जो सीनियर ट्रेनर है प्रशांत, आज हमारे साथ है। वो आपको बता देगा, दिखाएगा कि प्रोसेस कैसे है, हम कैसे प्रिंटिंग कर रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट हमें प्रिंटिंग कर रहे हैं, पहले हम डिज़ाइन देखते हैं। इस डिज़ाइन को हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब हमने जो डिज़ाइन, मतलब जो प्रोडक्ट लिया था वो है देखा, वो है मास्क। देखते ही पता चल गया होगा डिज़ाइन को, क्योंकि आजकल यह ट्रेंडी डिज़ाइन हो गया कि मास्क के ऊपर प्रिंटिंग करो और उसको यूज़ करो। हमें भी एक इंटरेस्ट आ जाता है मास्क पहनने में कि हमारा डिज़ाइन देखो इतना अच्छा सा है, दिखाना है ना बाकी लोगों को भी। इसको प्रिंट करने के लिए हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मशीन है वो देखेंगे। आपको मेरे पीछे एक मशीन आपको दिख रहा हो ना, ये है हमारा मशीन है जो हमें आपको प्रिंट कर रहे हैं। इस मशीन को कॉम्बो मशीन बोलते हैं या फिर फाइनल मशीन बोलते हैं। इसमें भी वैराइटीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ मशीन होते हैं। जो मैं यूज करूँ, इसे ब्लैक मेटल से बना हुआ है। ये मशीन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड का हेवी ड्यूटी फ्लैट प्रेस मशीन है। इससे हम 5 अटैचमेंट्स आते हैं, जो है एक फ्लैट प्रेस है 12x10 का। अब ये डिज़ाइन को देख सकते हो, हमारा जो डिज़ाइन है आपको दिखाया था, यही डिज़ाइन को हम अपना मास्क के साथ जुड़ के रखा है। इसके लिए हमने जो यूज़ किया था, एक हीट रेसिस्टेंट टेप को यूज़ किया था ताकि ये जोड़ के रखे, इसे हमारा प्रिंट ठीक से प्रिंट हो जाए। हिलेगा तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ये हीट रेसिस्टेंट टेप यूज़ करते हैं, जो बाहर का टेप्स इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर वो यूज़ कर रहे हैं हम 200 डिग्री का टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं और 60 सेकेंड्स का टाइमिंग रख रहे हैं हम प्रिंट करने के लिए। इतना टाइमिंग में प्रिंट करके आप प्रिंटिंग हो जाएगा, मतलब एक मिनट में ही आपको प्रिंटिंग हो जाता है। मैंने बताया था आपको एक मशीन के साथ क्या क्या आते हैं, 5 अटैचमेंट्स। एक तो फ्लैट प्रेस मशीन आपने देख लिया 12x10 का, दूसरा आएगा एक कॉफी कप के अटैचमेंट, एक टी कप के अटैचमेंट, एक प्लेट के अटैचमेंट एंड एक कैप के अटैचमेंट। इफ इट इज़ कंपेयर टू दूसरे मशीन आता है ना, इसमें अदर क्वालिटीज वो भी मिल जाता है। उस मशीन में 2 प्लेट्स का आएगा, कप एक ही आएगा, एक कैप आएगा, बाकी एक फ्लैट प्रेस। उसमें वारंटी नहीं होता है उस मशीन में। इस मशीन में आपको वारंटी मिल जाता है 1 साल का, और इस कंपनी ब्रांडिंग के साथ ही आएगा आपको। फर्दर लॉन्ग रन के लिए ये मशीन यूजफुल होता है। नहीं हम अभी के अभी इसी टाइम पे यूज़ करने हैं, उसके बाद का बाद हम बाकी देखेंगे, तो फिर आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हो। एक मशीन के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रिंट निकालना है तो फिर प्रिंटर भी होना चाहिए। प्रिंटर जो सपोर्ट करेगा सप्लीमेशन में, एप्सन L130 प्रिंटर, 4 कलर का प्रिंटर है। जितना कलर्स है उतना ही प्रिंट निकलेगा, बाकी कलर्स को लाइट कलर को इसको प्रिंट नहीं हो पाएगा। L805 है एप्सन का, वो है हमारा 6 कलर का प्रिंटर है। उसमें जो कलर सारा कलर्स निकल सकते हैं, लाइक मेरा पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसमें आपको कितना कलर्स का डिफिनेशन, मतलब अलग अलग कलर्स निकले, लाइट कलर्स है, डार्क कलर्स है, शेड्स जो भी दिख रहे हैं ना, सारा शेड्स उसमें आ जाते हैं, जो L130 में शेड्स नहीं आ पाएगा। आपको एक बीप साउंड सुन रहे हैं ना, इसी बीप साउंड से आपको पता चल जाता है कि हमारा टाइमिंग जो दिया हुआ है वो कंप्लीट हो गया। उसी टाइम में आपको ओपन करके उसको निकालना है, तो हमारा प्रिंटिंग ठीक से आ जाएगा। आपको इस मशीनरी को स्टार्टअप करने के लिए जो मिनिमम बजट होते हैं, 50,000 से मिनिमम बजट होता है, 25 लाख से आप लेकर जा सकते हो। आपको इस डिज़ाइन को देखो, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। आप इसके डिज़ाइन के ऊपर भी देख सकते हो कितना अच्छे से वो ट्रांसफर हो गया है। अब डिज़ाइन देखो ऐसा, इसमें जो पेपर में डिज़ाइन था कम्प्लीटली इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया है। ऐसा आप ट्रांसफ़र करोगी ना तभी आपका क्वालिटी दिखेगा इसमें, क्योंकि ये पेपर जो है ट्रांसफरेबल पेपर है। यही ट्रांसफ़र हो सकता है उसके ऊपर। आप देख सकते हो कि वो डिज़ाइन भी कितना डिफरेंट है। मास्क को बेचना नहीं है, डिज़ाइन को बेचना होता है कि कितना डिफरेंट डिज़ाइन आप बनाओगे उतना ही डिफरेंटली पीपल को अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना प्यारा सा, इतना डिफरेंटली यूनिक डिज़ाइन बनाओगी ना तभी सब लोगों को अच्छा लगता है। आपने आज का डिज़ाइन देख लिया, और इसको जो पेपर जो यूज़ किया था, वो जो पेपर है जो ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये है 19 सप्लीमेशन का ड्यूअल कोटेड का हाईली डेफिनेशन पेपर है। इसको इससे आपको ट्रांसफर करोगे तो 90% आपको ट्रांसफर हो जाते हैं, आपने देखा भी है। जो इंक भी हम यूज़ करते हैं वो इंक जो है 19 सप्लीमेशन का वाटर प्रूफ इंक है। इससे क्या होता है कि आपको ट्रांसफर इंक पेपर में जो होना है वो तो इंक ही करेगा,
तो वो ही भी आपको सही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको प्रिंटिंग ठीक से आ पाएगा। ओके, सो आपने देखा क्या क्या चाहिए, हर तो मशीन चाहिए होंगे, प्रिंटर चाहिए होंगे, उसके लिए इंक डालना है, उसके लिए जो प्रिंट आउट निकालने के लिए पेपर अलग होते हैं, सब लोगों के पास सब्लिमेशन पेपर होते हैं, सब्लिमेशन इंक होते हैं, लेकिन सब एक नहीं है, क्वालिटी क्वालिटी डिफरेंस आता है। तो चेक कर लीजिए इफ इट इज़, आप सोच रहे हैं कि सबका क्वालिटी एक ही नहीं होते ऐसा, तो अलग अलग क्वालिटीज़ में आते हैं, तो आप चेक करके ले लीजिए। बाकी हमारा ट्रेनिंग्स जहाँ पे भी है ट्रेनिंग सेंटर्स में स्टार्ट हो गया है, 1 से 7 दिन तक का ट्रेनिंग होते हैं, इसमें पार्टीशन होते हैं कि आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए होते हैं कि किस किस के ऊपर, क्योंकि मार्केटिंग के बारे में होते हैं, मशीन्स के बारे में होता है, सो आपको कौन सा ट्रेनिंग आपको चाहिए होते हैं वो आप नीचे दिए हुआ फ़ोन नंबर पर बात करके ले सकते हो। जो मैंने आपको बजट बताया था 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। हमें अभी सेलिंग में जाएंगे तो एक मास्क बनने में आपको 20 रुपीज़ लग गया, तो रिटेल शॉप में आप दे रहे हो तो 50 रुपीज़ में, तो मार्जिन कितना बचा, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा आपको। सो ऐसा ही आप ज़्यादा डिजाइन्स मत बनाओ, 100 डिजाइन्स बनाओ, एक एक पैकेट में 10 10 बस काफ़ी है, 10 10 लेकर जाओ, पैक कर दो, एक एक शॉप में दे दो, ये शॉप वो शॉप महीने ये सारा शॉप में दे दो, क्योंकि मास्क है, सब लोग सेल कर रहे हैं, रेशन शॉप्स वाला सेल कर रहे हैं, मेडिकल शॉप वाला सेल कर रहे हैं, चलो पान शॉप वाला सेल कर रहे हैं, तो आप हर एक शॉप में आप दे दो 100 डिजाइन्स में 10 10 का पैकेट बना के दे दोगे, इसमें आपको यूनिक डिज़ाइंस होंगे जो पसंद आएगा बच्चों को बड़ों को, सारा मिक्स करके रखना उसमें, सो कोई भी आएगा तो उसमें डिज़ाइन देखेगा तो यूनिक डिज़ाइन से एक डिज़ाइन दूसरे लोगों को भी नहीं होगा, तो 100 के 100 आपने अलग अलग दिया था, सो उसमें आपको एक दिन में 50 शॉप्स में भी मिल गया था, 50 × 300 रुपीज़ एक पैकेट में आपको प्रॉफिट मिलता है, 50 × 300 रुपीज़ आप फोन करो कितना अच्छा सा सेल है, एक दिन का प्रॉफिट है। तो जो भी काम करते हैं प्रोसेस में लेकर जाओ, तभी आपको रिजल्ट आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी काम नहीं आ पाएगा, तो ध्यान से सोच के काम कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको जो कॉम्बो मशीन के साथ हमें कैसे काम करना है तो मैंने बता दिया, 200 डिग्री टेम्परेचर और 60 सेकंड टाइमिंग में मास्क को प्रिंट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अब अलग अलग डिज़ाइंस को अलग अलग मशीनरीज को कैसे प्रिंट करेंगे ये तो दिखाएंगे। तो बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो नोटिफिकेशन के लिए, एंड लाइक कर लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अंडरलाइन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।